सोलन के जौनाजी रोड पर एक विशालकाय पेड़ बिजली की तारों को तोड़ता हुआ सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। ये घटना उस समय घटी जब सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस पेड़ की चपेट में वहां खड़े कुछ दोपहिया वाहन जरूर आ गए। गौरतलब है कि ये वही पेड़ है जिसके बारे में यहाँ के स्थानीय निवासी नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को कई बार शिकायत कर चुके थे कि ये पेड़ खोखला हो चुका है और कभी भी गिर सकता है, जिसके चलते कोई बड़ी घटना भी घट सकती है, लेकिन किसी ने भी उनकी गुहार नहीं सुनी और परिणाम स्वरूप आज बड़ी दुर्घटना होते होते बची। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे कई बार विभिन्न विभागों को इस पेड़ के गिरने की संभावनाओं के बारे में अवगत करवा चुके थे, लेकिन विभाग है कि उनकी बातों को लगातार अनसुनी कर रहा था। यही वजह है कि आज ये घटना सामने आई है जिसकी जिम्मेवार सरकारी मशीनरी है। जब ये पेड़ गिरा तो बिजली की तारें भी टूट गई और कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। अगर इस पेड़ की चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? नगर परिषद पार्षद पवन गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद बिना अनुमति के पेड़ों को नहीं कटवा सकता है। वे शहर में खतरनाक पेड़ों की सूची पहले ही जिला प्रशासन को दे चुके हैं ताकि पेड़ों को कटवाया जा सके, लेकिन अभी तक उन्हें कोई अनुमति नहीं मिली है, इसलिए वे जल्द एक बार फिर से इस बारे में जिला प्रशासन को सूचित करेंगे ताकि पेड़ों को जल्द कटवाया जा सके। सड़क किनारे लगे पेड़ के खतरे के बारे में स्थानीय लोग विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन को चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ये खतरनाक पेड़ कई बार राहगीरों की मौत का कारण बन चुके हैं, लेकिन शायद अब वे किसी बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एनएमसी बिल को लागू करने के विरोध में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने आवाज बुलंद कर इस बिल की निंदा करने के साथ इसे ड्रैकोनियन बिल करा दिया है। एसोसिएशन का मानना है कि इस बिल के लागू होने से मेडिकल प्रोफेशन की भ्रूण हत्या होगी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विपरीत असर पड़ेगा। हमीरपुर में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार इस बिल के माध्यम से झोला झाप डॉक्टरों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों के हितों की अनदेखी की जा रही है। प्रदेश महासचिव डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के कथनी व करनी में अंतर है और एनएमसी बिल से डॉक्टरों के हितों में अनदेखी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीआई को भंग कर नए एनएमसी आयोग का गठन पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। इस आयोग से 25 सदस्यों में 20 के नाम सरकार द्वारा भेजे जाएंगे, जिससे इसकी कार्यप्रणाली पर पहले ही प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। प्रदेश महासचिव डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि बिल के लागू होने के बाद मेडिकल शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा और केवल 50% छात्र ही सरकारी सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि बिल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए और पूरे देश में एक समान वेतन पद्धति को लागू करें। ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में भी बिल पारित होने के फैसले से हमीरपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग गदगद हो गए हैं। हमीरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ट्रिपल तलाक पर बने कानून पर खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अहम फैसले को दिए जाने पर
बधाई दी है। लोगों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी मोदी मुस्लिम समुदाय के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। ट्रिपल तलाक के फैसले पर पप्पू कुमार का कहना है कि ट्रिपल तलाक पर कानून बनाए जाने से सदियों से दंश झेल रही महिलाओं को निजात मिलेगी और अब कानून के दायरे में रहकर ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी काम करेंगे। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। युवती ने बताया कि मुस्लिम बहनों को आज न्याय मिला है क्योंकि सालों से इस बुराई को महिलाएं झेल रही थी। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने काबिले तारीफ काम किया है। मोदी सरकार ने अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले से लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर बने कानून से मुस्लिम समाज के लोगों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि काफी सालों से इस कानून को लेकर मांग की जा रही थी। ये फैसला बहुत ही बढ़िया और अच्छा है।